Welcome back to my channel. Today's video is going to be about makeup, lipstick to be very specific. तो मैं आज शेयर करने वाली हूँ माई फेवरेट लिप कॉम्बो दीज डेज. ये मैंने खुद इन्वेंट किया है, खुद बनाया है. एक परफेक्ट शेड मेरे लुक के लिए जो परफेक्ट है. सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ बिकॉज ऑल्सो मैंने काफ़ी कॉमेंट्स पढ़े थे जिसमें यू नो यू ऑल वर आस्किंग कि वॉट लिपस्टिक एम आई यूजिंग. सो आई थॉट कि ये एक्चुअली बहुत प्यारा शेड है, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपना ये फेवरेट लिप शेड कैसे बनाती हूँ. सो पैन, ये पांच प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ. सो मैं वन बाय वन डिटेल में बताऊँगी कि मैं कैसे क्या यूज़ करती हूँ. सो फर्स्ट ये लिप पेंसिल है, इसको मैं कभी यूज़ करती हूँ कभी नहीं करती हूँ अगर मेरा मन करता है तो. आई थिंक इट्स अ पेंसिल फ्रॉम पैक, इसका कोई नंबर नहीं है, तो इसको मैं एक्चुअली हटा देती हूँ. मैं वो सारे शेड्स बताती हूँ जिसका नाम है. सो इन केस इफ यू वांट टू गेट वन फॉर योरसेल्फ यू कैन. सो ये एक बहुत ही प्यारा सा पिंक शेड है, बहुत बहुत सटल सा पिंक है. तो मैं इससे शुरुआत करती हूँ. इट्स अ लिपस्टिक फ्रॉम मेबेलिन और इसका शेड है, मिट गया है, मुझे नंबर मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. सो What I do is, मैं एक अच्छी सी outline बनाती हूँ. I use it as a lip liner. So मैं ये बना लेती हूँ. So as you can see, it's a very very neutral shade, neutral pink है. Almost मेरे lip shade के साथ merge हो जाता है, हल्का सा dark है बस. फिर मैं अंदर भी fill कर लेती हूँ. ठीक है. So now this is more on the pinker side. मुझे वैसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए थोड़ा सा पीची. सो दिस इज अ लिपस्टिक फ्रॉम स्मैशबॉक्स, वेरी वेरी ब्यूटिफुल लिपस्टिक. इट्स कॉल्ड हियर फॉर इट 009. ये उसका शेड है. बहुत क्रीमी है, बहुत मॉइस्चराइजिंग है और बहुत प्यारा सा शेड है, बहुत न्यूड सा शेड है. तो इसको मैं अच्छे से कवर कर दूंगी इस पिंक के ऊपर. ठीक है. सो एज यू कैन सी आई एम नॉट मर्जिंग इट, अभी ऐसे ही रखी है मैंने. उसके बाद ये एक नायका की लिपस्टिक है, इट्स कॉल्ड वंडर पफ कुशन लिपस्टिक. शेड है बका बटकप, वेरी नाइस न्यूड शेड. तो इसको मैं क्या करती हूँ, इसका जो कुशन है हल्का सा इसको निकालती हूँ लिपस्टिक. सो यू प्रेस इट एंड लिपस्टिक बाहर आता है यहाँ पर. सो इससे मैं मर्ज करती हूँ, तीनों शेड को मैं मिक्स करती हूँ. तो ये हो गया काफी प्यारा सुंदर सा पिंकिश न्यूड. आई डोंट नो कैमरे में अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ पर बहुत प्यारा पिंक न्यूड दिख रहा है. तो अब हमें उसको क्या, ये फाइनल, ये अभी ये फाइनल स्टेप है मेरा. सो दिस इज अ लिप ग्लॉस फ्रॉम गिवेंची. पिंक है तो ये जैसा हमको पीची शेड चाहिए ना, तो इसके ऊपर जब हम ये लगाते हैं तो वो एकदम पिंक पीची बन जाएगा. So what I'll do, I'll just take a little bit of this gloss. जितनी glossy lipstick अच्छी लगती है, if I'm feeling a little uncomfortable, मैं उसको dab कर दूँगी. But I think for now it's nice. So now this is our perfect peachy nude sort of lipstick. So yeah, this is my favorite lip combo. ये मेरी चार lipstick है. ये थोड़ा on and off कुछ कुछ changes आते रहते हैं. तो हाँ, for now these four lipsticks they are my go-to you know lipsticks to make this beautiful shade. So yeah, I hope कि आपको पता है कि you know मैं कैसे अपना लिप शेड बनाती हूँ. एंड ट्राई करना अगर आपको पसंद आया तो.